हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स हिंदी। आज की वीडियो में हम क्लास नाइन्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन, वैसे तो ओवरऑल 8 चैप्टर हैं, मोशन को डिस्कस करेंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। वैसे तो क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मैं वीडियो बनाने वाला था, बट उसको बाद में बनाऊँगा, पहले आज इस पर बना लेते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस को एक बार आपको समझा दूं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि आप पढ़ सकते हैं डिस्टेंस, सबसे पहले हम समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, फॉर एग्जांपल एक चंडीगढ़ हो सकता है, दूसरा करनाल हो सकता है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी इस तरह से, ये डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना, ये जो टोटल लेंथ हुई, इसमें मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है, तो कोई गाड़ी जा रही है यहाँ पे, जब वो है तो उसकी डायरेक्शन जाने की ये है, इधर जा रही हो। ठीक है, अगर कोई गाड़ी यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे है तो डायरेक्शन ये है। तो आप देख रहे हैं हर बार उसकी डायरेक्शन बदल रही है। ओके, यानी कि इस रास्ते की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह का जो रास्ता होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप ये देख सकते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। या फिर चूंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्टेंस लिखा है, सो अंडरस्टूड है। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए, इसी यहीं पे हम समझा देते हैं, ये पॉइंट ए है, बी है, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। ओके, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इससे कम डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख लेंगे द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस या पॉइंट्स, ओके, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से कोई चलता है, वो गया यहाँ से ऐसे ऐसे होकर गया, तो यहाँ से वो चला ना, तो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, यानी कि यहाँ से उसने प्रारंभ किया, प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु को हम बोल देते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर वो अंत में पहुँच गया, ठीक है, अंतिम बिंदु को हम बोल देते हैं फाइनल पॉइंट। ओके, फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजिशन। सो द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। ओके, अब अगली बात करते हैं, अगली डेफिनेशन है स्पीड की। स्पीड क्या होता है? ओके, तो स्पीड में हम क्या लिख देंगे, द यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अलोंग चल रहा है ना, तो उसकी जो गति होगी उसको हम बोलेंगे स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अलोंग जा रहा है तो उसकी जो गति होगी उसको बोलेंगे हम स्पीड। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। द स्पीड ऑफ, या फिर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ओके, अगला है वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट
डिस्प्लेसमेंट के अलोंग चल रहा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग चल रहा है तो उसके मोशन को बोलेंगे, उसकी जो गति है उसको बोलेंगे वेलोसिटी। सो द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, सेम, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी। अब है एक्सेलरेशन। देखिए, अगर कोई लड़का दौड़ रहा है या कोई साइकिल चल रही है और वो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, देखो पर यूनिट टाइम लिखा है, अब इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। चलो समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी लड़के ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, चलो वेलोसिटी से समझाते हैं। 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर, ओके। और टाइम लिया उसने, टाइम लिया उसने 10 सेकंड लिए टाइम, ठीक है। तो पूछ लिया कि वेलोसिटी बताइए क्या क्या होगी, सो वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। सो वेलोसिटी हो जाएगी वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10, अच्छा 100 मीटर 10 सेकंड, ओके, सो 10 जा 100, सो यहाँ पे आया 10, आगे क्या मीटर, और सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर इन्वर्स हो जाएगी पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, सो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर, ओके। तो ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, और वो इसी स्पीड से चल, मतलब इसी वेलोसिटी से चल रहा है लगातार, कम या ज़्यादा नहीं कर रहा, तो इस यानी कि ये जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट ये बहुत मुश्किल होता है ना प्रैक्टिकली, अगर हम सड़क पे जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं तो बार बार वेलोसिटी को कम या सॉरी स्पीड को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। अगर दौड़ते हुए भी जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम से तेज़ दौड़ना पड़ेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन अगर हम जा रहे हैं तो भी, जब यानी कि ऐसा हो सकता है कि स्पीड बढ़ रही है, आप गाड़ी में बैठे हैं, अचानक से आपको लगा कि जल्दी चलना चाहिए, लेट हो रहा है या बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है, तो आपने एक्सेलेटर दबाया, आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है, अभी सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, आपने एकदम एक्सेलेटर दबाया, यानी कि जिसको आप रेस बोल देते हो, एक्सेलेटर बोलते हैं उसको, तो आपने एक्सेलेटर को दबाया 5 सेकंड के लिए, जब आप स्टार्टिंग में आप चल रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से, आप चल रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे अभी, ठीक है, तभी आपको लगा कि तेज़ चलना चाहिए, आपने एक्सेलेटर दबाया यानी कि रेस दबाई, और वो आपने दबाई 5 सेकंड के लिए, और वो दबाई तो उससे स्पीड बढ़ेगी, ओके, तो वो बढ़ गई 10 से 20 हो गई, कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और टाइम कितना टाइम लगा 5 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम लगा। तो बात ये है कि 1 सेकंड में वो कितना बढ़ रही थी, 1 सेकंड में वो कितना चेंज हो रही थी। तो देखिए, जो वेलोसिटी पहले होती है ना, यानी कि पहले जो चल रहे थे इनिशियल, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। जो फाइनली हो गई, बाद में हो गई, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और इसको डिनोट करते हैं वी से, ओके। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हर एक सेकंड में वो कितना बदल रही थी, कितना बढ़ रही थी, ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं ना, इसका फॉर्मूला है, इसका तरीका ये है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, सो वी माइनस यू, और डिवाइड कर दो टाइम से, टाइम लगा 5 सेकंड, 5, ठीक है, टाइम से डिवाइड कर दो, तो 20 माइनस 10, यानी कि 20 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा 10, और डिवाइड किससे करना है 5 से, टाइम से 5, तो 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड किया, क्या आएगा वेलोसिटी, तो 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, डिवाइड करना है टाइम से, टाइम यानी कि 5 सेकंड, ओके, तो सेकंड एक बार और ऊपर जाएगा, तो ये तो आ गया 2 मीटर पर, अब देखिए सेकंड पर सेकंड था, एक और माइनस में आया, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो अभी हमने निकाला ना, कि कितने एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में या एक मिनट में, एक घंटे में वेलोसिटी कितना बढ़ रही है, एक यूनिट टाइम में कितना बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, ओके, ठीक है, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी मैंने बता दिया था, अब एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन की अब डेफिनेशन समझ गए होंगे आप, अब डेफिनेशन लिख देंगे,
एक्सेलरेशन। अच्छा, डेफिनेशन लिखने से पहले एक बात और बता दूँ, ये जो एक्सेलरेशन है इस केस में तो ये पॉजिटिव था क्योंकि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा थी, 20 थी और इनिशियल 10 थी, कम थी उससे, ठीक है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कोई गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से या 20 मीटर पर सेकंड से, अचानक उसको ब्रेक लगाने पड़े, ब्रेक लगाते हैं फाइनली कभी ना कभी पहुँच के कहीं पर, तो ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक अप्लाई किए और कुछ सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वो गाड़ी रुक गई, तो यहाँ पे भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, यहाँ पे भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट यहाँ पे क्या है, फाइनल कितनी हो जाएगी जब रुक जाएगी वो, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 जब रुक गई, 0 मीटर पर सेकंड, ओके। और इनिशियल मान लीजिए कुछ थी 20 मीटर पर सेकंड, और रुकने में कुछ टाइम लगा होगा, मान लीजिए 10 सेकंड, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0 - 20 / 10, तो ये कितना आया, माइनस हो गया ना, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव आया एक्सेलरेशन, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, ओके, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ओके। नाउ लेट्स राइट अबाउट द एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखो चेंज हो रही है, ठीक है, अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है रेट ऑफ चेंज, ये नहीं बोला कि रेट ऑफ इंक्रीज, ओके, या रेट ऑफ डिक्रीज, क्योंकि बोथ आर एक्सेलरेशन, द नेगेटिव वन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, बट वो भी है एक्सेलरेशन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, ओके, लोअर केस स्मॉल लेटर ए, ये हो गया एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। वन मोर थिंग, डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, आप अपना जो नोटबुक है, जो नोट्स बनाने हैं और पेन, वो रेडी रखिए, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ, आप इससे नेक्स्ट लाइन में या ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, यस, रेफरेंस पॉइंट अभी बताना है, ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ना पोजिशन बतानी है, तो ये डेफिनेशंस आपने लिख ली होंगी, इनको अभी साफ करने की जरूरत है, बिकॉज आई नीड सम स्पेस। देखिए, ओके, मान लीजिए ये कोई शहर है, ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका घर है, होम, ओके, और यहाँ पे आपका प्लेग्राउंड है, ये आपका प्लेग्राउंड है या फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, ठीक है, ओके, और ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, सिंपल, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर, ठीक। तो मान लीजिए आप घर पे नहीं हो, अभी आप खेलने गए हो प्लेग्राउंड पे, तो आपके घर पे किसी का फ़ोन आया, आप किसी का भी, आपके रिलेटिव का, उसने पूछा कि वो कहाँ है, मतलब कोई भी, मतलब कि बलविंदर कहाँ है, ठीक है, तो बलविंदर को फिर क्या बोलेंगे कि बलविंदर तो मतलब खेलने गया, फुटबॉल खेलने गया है, तो वो पूछेंगे कि कहाँ पे है, उनको कुछ नहीं पता, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई हमारे घर से, 500 मीटर नॉर्थ में, हमारे घर से 500 मीटर नॉर्थ में, ठीक है, ये बोलेंगे ना। या फिर मान लीजिए यहाँ पे है कोई, बलविंदर का दोस्त है कोई, मान लीजिए अमन है, ठीक है, या फिर कोई भी है, प्रांशु है, ठीक है, ओके, तो यहाँ से है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे होगा, इसको ले लेते हैं, इजी रहेगा, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ वाला है कोई दोस्त, अमन है, इसके घर पे फ़ोन आया कि अमन कहाँ है, अमन भी यहाँ पे है, तो अमन के घर वाले बताएंगे कि वो, उससे पूछा कि कहाँ पे है एग्जैक्टली बताओ, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि भाई ये कुछ होगा, मान लीजिए 700 मीटर डिस्टेंस पे होगा, 700 मीटर डिस्टेंस पे, तो ये बोलेंगे ये जो डायरेक्शन है इसके कंपैरिजन में
देखो ना तो ये वेस्ट है, ना तो ये वेस्ट है, ना नॉर्थ है, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इसके घर वाले बोलेंगे, अमन के घर वाले, कि भाई अमन जो है प्लेग्राउंड पे है, जो कि हमारे घर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 700 मीटर डिस्टेंस पे है। ओके, ये वाले क्या बोलेंगे कि इतने डिस्टेंस पे है, 400 मीटर डिस्टेंस पे है और इस डायरेक्शन में। ओके, समझ गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए होता है, इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसी को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओके, सो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट, वी नीड टू, तो ठीक है मैं थोड़ा सिम, वी नीड टू स्पेसिफाई SP, वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड, या फिर कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, सॉरी ओके ठीक है भाई, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब बात करते हैं रेस्ट की। ठीक है, रेस्ट क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। देखिए, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीज़ों के कंपैरिजन में, टाइम के साथ साथ अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन नहीं बदलता, तो उसको बोलते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं रेस्ट। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये लिख लेना। ठीक है, मोशन में क्या लिख लेंगे आप, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट्स इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो स्पीड हमने पढ़ा था, ठीक है, स्पीड पढ़ा था, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ देते हैं स्पीड का, छोटा सा बिल्कुल। मान लीजिए ये कोई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला, ये चला कुछ वेलोसिटी से, फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड से चला। ओके, और जब ये वापस आया, ठीक है, और इसने कुछ टाइम भी लिया यहाँ पर जाने में, टाइम लिया यानी कि T1 टाइम लिया, और जब ये वापस आया तो ये मतलब ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस, सॉरी ये इधर गया, इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, कुछ भी डिस्टेंस था ये, मान लीजिए 500 मीटर था। ठीक है, 500 मीटर था, और वापस आया तो भी तो 500 मीटर ही होगा, 500 मीटर वापस जाते टाइम इसने कुछ टाइम लिया इसने, मान लीजिए T1 फॉर एग्जांपल 2 सेकंड ले लिए, वापस जाते टाइम इसने ले लिया 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड टाइम ले लिया। ठीक है, तो बोला कि एवरेज स्पीड बताओ जी, तो सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस यानी कि 500 मीटर प्लस 500 मीटर मतलब कि 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड यानी कि 6 सेकंड, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड। इसको अब लिख लेते हैं एक बार, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे फटाफट से। ओके, नाउ लेट्स राइट अबाउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेंड by dividing the total distance covered by total time taken. Average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by total time taken. ठीक है, total distance covered by total time taken. So this will be the average speed. ठीक है, अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मोशन की, उसके बाद एग्जांपल वो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा।
टाइप्स ऑफ मोशन देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाते हैं, वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो एक प्लेग्राउंड में है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, इधर उधर, मतलब सीधी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, वो दूसरी तरह का मोशन हो गया। यानी कि वो क्या है, वो मतलब वो क्या है कि टू डायमेंशनल मोशन है। जो सीधी लाइन में है ना, वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, मतलब कि हवा में पक्षी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर, वो क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन है। वैसे अगर और थोड़ा सिंपल वे में बताऊं तो एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, एक हो गया सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमने वाला, एक हो गया पेंडुल यानी कि वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन, मतलब बहुत तरह के मोशन होते हैं। बट आज की वीडियो में हम केवल डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन अभी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, बस ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 100 पे, पेज नंबर 100 पे कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं उनको एक बार सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट एक बार मैं बता दूँगा। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखिए भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ ना डिस्टेंस कवर किया, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? भाई हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ से चला, ऐसे ऐसे गया, ऐसे यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस कवर तो ये हो गया ना, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये तो कुछ होगी ना, कुछ ना कुछ लेंथ होगी। बट इनिशियल पोजिशन क्या थी, यहीं से चला था और यहीं पर आ गया फाइनल पोजिशन। दोनों इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में डिस्टेंस कितना है या लेंथ कितनी है? कुछ भी नहीं, जीरो। सो यस, इट इज़ पॉसिबल, यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए, यस इट इज़ पॉसिबल, इसका आंसर हो जाएगा इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। यस, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड कम्प्लीट्स वन कम्प्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगा देता है, या टू लगा देता है, या थ्री लगा देता है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? ओके, नेक्स्ट इज अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री, ओके, ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकंड। ठीक है भाई, एक स्क्वायर फील्डर है, नेक्स्ट सॉरी फील्डर नहीं, स्क्वायर फील्ड, यानी कि स्क्वायर की शेप में फील्ड, स्क्वायर तो पता होगा आपको, नाइन्थ क्लास में आके स्क्वायर तो पता होगा, ठीक है। ये इसके, इसकी जो वो है, क्या है, 10 मीटर लेंथ है इसकी, एक साइड जो है 10 मीटर की है, 10 मीटर एंड 10 मीटर। एक बार मैं लाइट चेक कर लेता हूँ, ठीक है, लाइट नहीं है, इट्स ओके। सो ठीक है, तो 10 मीटर का वो है और उसको टाइम लगता है भाई 40 सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन? ओके भाई, देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि भाई 2 मिनट तो 40 सेकंड। देखिए 10 मीटर की इसकी साइड है, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस 40 मीटर होगी ना, 40 मीटर होगी, ठीक है। और टाइम लेता है ये पूरा एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में टाइम लेता है 40 सेकंड 40 सेकंड। तो आप देख सकते हैं 40 सेकंड, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यार, मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, सॉरी इसकी कितनी होगी स्पीड, वो हो गई 1 मीटर पर सेकंड हो गया, टोटल डिस्टेंस 40 मीटर बाय टोटल टाइम 40 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड हो गया। आप देखिए, इसने पूछा 2 मीटर 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन ये, यहां से चलता है वो, ठीक है, तो 40 सेकंड में एक राउंड पूरा कर लेगा, 2 मीटर 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मीनिंग क्या हुआ, 140 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड और 140 सेकंड। तो देखिए 40 सेकंड में एक राउंड पूरा कर लिया, अगले 40 में 80 हो गया, अब दो राउंड पूरे कर लिए, अगले 40 यानी कि 120, 2 मिनट में 3 राउंड पूरे कर लिए। अब 20 सेकंड रह गए, 10 सेकंड में यहाँ तक, 10 सेकंड में यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो आपको ये बताना है, दिस विल बी द आंसर, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। भाई देखो देखो, स्पीड को थोड़ा कम करके या ज़्यादा करके अपने हिसाब से चला लेना। 10 मीटर में यहाँ तक पहुँच, 40 सेकंड में एक राउंड पूरा कर लिया, अगले 40 में एक राउंड पूरा कर लिया, 80 सेकंड हो गए, अगले 40 में एक राउंड पूरा कर लिया, मतलब 120 सेकंड हो गए टोटल, और फिर अगले 20 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब ये बतानी है भाई, सिंपल सी बात है, एक जो स्क्वायर होता है ना, उसका फॉर्मूला भी होता है, वैसे आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा के सिंपल निकाल दो, क्या कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये हो गया मान लीजिए बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो क्या करेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, तो 10 स्क्वायर मतलब कि 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब कि 100 प्लस 100 200 200, यानी कि 200 अंडर रूट, यानी कि 2 इंटू 100 का अंडर रूट, तो अंडर रूट बाहर आ जाएगा भाई, इंटू 100 मीटर, यानी कि
हाँ ये नहीं 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 सॉरी, ये 10√2, 10√2 क्योंकि 100 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, 10√2 मीटर, 10√2 मीटर, ठीक है। सो द आंसर विल बी 10√2 मीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। नो इट्स नॉट ट्रू, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, हमने देखा था। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नो इट्स नॉट ट्रू, इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी, ये तो हो सकता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ट्रू पूछा, नहीं यार, नन, कोई भी नहीं, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन हो गया, आगे है एक एवरेज स्पीड का एक एग्जांपल है, बस ये लास्ट कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड 16 मीटर इन 2 सेकेंड। भाई एक ऑब्जेक्ट है 16 मीटर डिस्टेंस का कवर करता है 4 सेकेंड में, और अगेन 16 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकेंड में, तो एवरेज स्पीड बतानी है। सो देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो 16 प्लस 16 32 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड 6 सेकेंड, तो ये कितना आएगा, डिवाइड करके देख लेना कितना आता है। हाँ 5.33, एक डिवाइड करके दिखाऊँ क्या, 32 6 30, और यानी कि पॉइंट, और यहाँ पे 2 आ जाएगा 0, 3 जा 18, एंड 5.33 मीटर पर सेकेंड इज़ द एवरेज स्पीड। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, या जो भी कमी लगी हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर तो कर ही दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ओके, नहीं किया है तो।